टिकट बांटे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गलत आरोप है। कांग्रेस ने बहुत अध्ययन कर 3 दिन तक चर्चा करी, सब नेताओं को इकट्ठा बैठाया और हमने बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से कमेटी के रिकमेंडेशंस को कांग्रेस प्रेसिडेंट ने स्वीकार किया है। अगर एक आध जगह कहीं विरोधाभास है तो इसलिए है क्योंकि जनता जानती है, लोग जानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस जीतने वाली है, इसलिए टिकट मांगने वालों की तादाद ज़्यादा है। बीजेपी को शायद ढूंढे नहीं मिल रहे उम्मीदवार और इसलिए वहाँ के जो उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है येडियुरप्पा साहब, उस पर सफाई देनी पड़ती है। अमित शाह साहब और पूरे नेता वहाँ जा रहे हैं और ये चुनाव तमाम सर्वे भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि कर्नाटक में बीजेपी पूरी तरह से ठीक है।